जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि 370 फिर से बहाल करेंगे, आर्टिकल 35A फिर से हम बहाल करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है या भारत के लोगों के साथ है? क्या आप तिरंगे के विरोधी हैं, तिरंगा नहीं चाहते हैं और अलग से निशान जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं? ये पहला चुनाव कश्मीर का है जब एससी और एसटी को वहां आरक्षण देने का काम किया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है? इंडी गठबंधन के लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है और हम पूरे कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे सहयोगी और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह जी उपस्थित हैं, मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल साहब, पार्टी के प्रवक्ता जयराम विप्लव जी, उपेंद्र सिंह जी, बबलू जी, नीरज जी, शशांक जी और सभी मीडिया के साथीगण, आज हम आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है और कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए पूरे भारत को कि क्या 370 के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि 370 फिर से बहाल करेंगे, आर्टिकल 35A फिर से हम बहाल करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है या भारत के लोगों के साथ है? दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि इस देश में कश्मीर एक अलग देश के तौर पर जाना जाएगा और जिसको अलग झंडा का निशान भी देना पड़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए और इंडी गठबंधन के लोगों को कि क्या आप तिरंगे के विरोधी हैं, तिरंगा नहीं चाहते हैं और अलग से निशान जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू हो जो लगातार हिंदुस्तान के लोगों की हत्या कर रहा है, आतंकवादियों को भारत में संरक्षण देने का काम कुछ पार्टियां करती है और पाकिस्तान लगातार भारत को आतंकवादी सप्लाई करने का काम कर रहा है और जैसे इसके साथ साथ कई मुद्दे हैं। आरक्षण विरोधी चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिखता है, क्योंकि अभी तक ये पहला चुनाव कश्मीर का है जब एससी और एसटी को वहां आरक्षण देने का काम किया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है? इंडी गठबंधन के लोग विरोध कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चाहती है कि हम पाकिस्तान से ट्रेड करें, एलओसी पर ट्रेड शुरू किया जाए, जबकि हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है और हम पूरे कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं। इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर तख्त ए सुलेमान किया जाए और हरि पर्वत को कोह ए मारन का नाम दिया जाए, तो यह स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडी गठबंधन के लोगों को कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों का स्पष्ट मानना
कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस भारत का भारत अखंड भारत का जो सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उस सपने को साकार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसलिए स्पष्ट है ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि कश्मीर को वो अलग मानते हैं या भारत का हिस्सा मानते हैं, ये हम लोग जानना चाहते हैं।